में बताया, तीन लोक और भवन चतुर्दश, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इससे अलग 14 लोक और हैं भवन। कहते हैं तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदा आही, सब सौदा कर, सब अपना किए हुए अपना बिजनेस, जिसने जैसा भी बेनिफिट हुआ है, जैसे यहाँ सौदा किया भक्ति की, कोई स्वर्ग गया, कोई महास्वर्ग गया, कोई विष्णु जी के लोक में गया, कोई शिव जी के लोक में गया, कोई दुर्गा के लोक में, कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, ये अपने अपने सौदे को लेकर चले गए। तो क्या बताते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, और दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। अब जैसे आपको बताया कि मनुष्य जीवन जब तक हमारे पास है, ये समझ लो ये लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे के ऊपर राम नाम की चोट मार के हम मोक्ष रूपी अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, और ये जरा सा ठंडा हो गया, जैसे एरन में दे रखा होता है भट्टी में, लोहा निकालते ही लोहार वो कारीगर कहता है मारो जल्दी जल्दी चोट कटाकट कटाकट, जरा सा ठंडा हो जाता उस पर असर नहीं होता, उसको फिर भट्टी में दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, आज ये मनुष्य जीवन आपका लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर चोट लागी, राम नाम की भक्ति होगी से परमात्मा की, परमेश्वर की, तो इसका बन जाएगा जो जिसके लिए ये गर्म किया गया था, अन्यथा ठंडे लोहे का अगर हथौड़े मारते रहे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो वस्तु नहीं बनती जिसके लिए उसको गर्म किया था। तो ऐसे ये सुंदर शरीर में परमात्मा ने जिया दिया है, इसमें आवाज भी दी है, बोल भी दिया है, बुद्धि भी दी है, और यहाँ गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था बहुत से पदार्थ दिए हैं परमात्मा ने, और उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, कपड़े सुंदर पहन रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हम उस सबको व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। मूल होता है मुख्य पूंजी, मूल धन। जैसे ये मनुष्य जीवन आप जी का जो है ये मूल धन है, और इस मूल धन से हमने आगे और बिजनेस करना था, सौदा करना था, राम नाम की भक्ति करनी थी, दान धर्म सेवा सिमरन करके हमने इस पूंजी को बढ़ाना था, और सत साधना ना करने से सौदा घाटे का हो गया, उसमें हानि होगी। और जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो कर रहे हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो बिजनेस गलत कर रहे हैं, वो सौदा गलत कर लिया। और जो करते ही नहीं, शराब पी गुटी लाई, राजा बन गए और सैर सपट्टा करते रहे, ताश खेल लें, गप्पे मारें, सिनेमा देखें, अपना कर धंधा पीटें, बस यहीं तक सीमित है। तो उन्होंने तो ऐसा कर दिया जैसे कोई सेठ 1-2 लाख रुपए लेकर के दूसरे देश में, दूसरे प्रांत में चला जाता है, वहाँ होटल में कमरा किराए पर लेता है, वहाँ बिजनेस करता है, और उस 2 लाख के वो 5 लाख बनाकर 4 लाख बना करके लौटता है, तो उसने सौदा ठीक कर लिया, उसने दुगने तिगने चौगने कर लिए। और दूसरा उसके साथ गया है, 2 लाख रुपये ले गया है, और उसी में से एक होटल का किराया भी दे रहा है, गुट्टी लगावे, पड़कर सो जावे, बढ़िया आइटम खावे, और बिजनेस कराया नहीं, तो जिस दिन उसका बस पूंजी समाप्त हो जाएगी, होटल वाला भी धक्के दे देगा, उसको बाहर निकाल देगा। फिर वो जो कर्जवान हो जाएगा, तो जिससे पैसा उसने ले रखा है उसका वो मजदूर बनता है,
कहने का भाव ये है कि जो पुण्यात्मा है वो भक्ति कर लेते हैं, सत साधना करते हैं, तो उनका दुगना तिगना चौगना हो जाता है। जैसे अच्छी भक्ति की पार हुए, नहीं तो मनुष्य जीवन मिल जाएगा दोबारा आपको। और वैसे तो पुण्यात्मा और परमात्मा कहते हैं कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाए यहाँ पर फिर करोगे कब। तो इस जीवन को आगे ना बढ़ाया जाए, कोशिश यही करनी है 100% 100% के परमात्मा फिर जन्म ना मिले, तो वो सौदा फिर सही सौदा होगा, फिर हम सदा के लिए अपने उस लोक में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष वर्णन दिया है। उसमें बताया है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32, 33 और 34 में वर्णन है, अपने आत्माओं हमने परमात्मा की महिमा के साथ साथ जिन सदग्रंथों को हम श्रोधार्य मानते रहे हैं, और हम ये भी मानते थे कि जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है वो सत्य है, और हम गलती ये करते रहे कि जिनको हम विद्वान मानते थे और वो ये कहते थे कि हम गीता श्रीमद् भगवत गीता जी का सार सुना रहे हैं आपको, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान आपको बता रहे हैं, तो हम ये मानते थे कि ये जो बता रहे हैं गीता जी का ज्ञान ऐसा ही होगा। अब हम उसी श्रीमद् भगवत गीता जी को जिसको सच्चा मानते थे, हम पहले हम पढ़े नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े नहीं थे, शिक्षित नहीं थे वो, और वो जो शिक्षित था एक वर्ग ब्राह्मण वर्ग, केवल संस्कृत भाषा जानता था, उसको आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं था वो वर्ग, जिनको हम ब्राह्मण गुरु मानते थे, ऋषि महर्षि कहते थे, मंडलेश्वर उन्हीं को कहा जाता था, तो वो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो वेदों के ज्ञान से भी अपरिचित थे, वो पुराणों को भी अच्छी तरह नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवत गीता जी को भी उन्होंने समझा नहीं, और हमारे को लोक वेद सुनाते रहे, हम उसी लोक वेद के आधार से यही मानते रहे कि गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता और पुराण और ये सभी वेद बहुत ही सच्चे हैं, यथार्थ ज्ञान युक्त हैं, बिल्कुल सही है, वो तो आज भी हैं, उस दिन भी थे, लेकिन वो हमें ज्ञान क्या देते थे, तो उन्हीं सदग्रंथों को आज हम स्वयं पढ़ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा अनुवादित है, और वो अनुवाद भी कर गए फिर भी उनकी बुद्धि इनकाम नहीं करा, तुम ये लिख क्या रहे हो, अनुवाद हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, तुम प्रवचन क्या कर रहे हो। उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। किसी का मोतिया बंद हो जाए, आंखों में एक रोग होता है, आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं उसकी, जैसे ओके दिखता होगा इसको, लेकिन मोतियाबिंद वाले को दिखता कति नहीं, नपट अंधा होता है। ऐसे ही ये संस्कृत की भाषा के जानने वाले व्यक्ति महर्षि की पदवी पागे, और हम इनको ये जान समझते थे कि ये बड़े विद्वान पारदर्शक हैं, और इन्होंने वेदों को खूब ठीक समझा है, पुराणों को अच्छी तरह समझा है, लेकिन इनका मोतियाबिंद था, ये ज्ञान नेत्रहीन थे, इनको ये पता ही नहीं था इन वेदों और गीता और पुराणों में लिखा क्या है, लेकिन हमने इन दिखे थे जानो बड़े विद्वान पुरुष हैं, इनका मोतियाबिंद था अज्ञान का। अब उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन परमेश्वर ने इस दास का किया, और ऑपरेशन करने का तरीका बता दिया।
आप जी लाखों की संख्या में आप जी का भी ऑपरेशन हो गया आंखों का, आप देख रहे हो स्वयं इन सदग्रंथों को, पढ़ रहे हो अपनी हृदय वाली आंखों से, इस ज्ञान वाली आंखों ने, क्योंकि ज्ञान की आंखों से ही ये चरम दृष्टि काम करती है। ज्ञान के बिना तो हम पहचान नहीं सकते सामने क्या वस्तु रखी है, देख जरूर रहे हैं। जिसने कभी कोई चश्मा देखा ही ना हो, जिसने कभी ये देखा ही ना हो मारकर, वो देख भी रहा पर समझ नहीं रहा, ज्ञान वाली आंखें इसको बताएंगी कि ये वो वस्तु है। तो ये गीता और वेद और पुराण, इनके अंदर लिखा हुआ जो अमृत ज्ञान, वो ज्ञान नेत्रहीन ऋषि मैं ऋषि नहीं समझ सके, ब्राह्मण नहीं समझ सके। उनके विषय में अमृतवाणी में लिखा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, इनका दिखत के तो नैन चश्म है पर फेरा मोतिया बंदरे। ये दिख विद्वान संस्कृत भाषा ने घोट रहे हैं, एक लैंग्वेज के घोट लेने से, लैंग्वेज का एक मास्टर बन जाने से अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो किसी भी लैंग्वेज में आप जी को प्राप्त हो जावे। अब एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता है। अब मैं इंग्लिश बोलूं, आप समझते ना हो तो क्या फायदा उस प्रवचन का। मैं संस्कृत जानता हूं और आप संस्कृत समझते ही नहीं, मैं बोलता रहूं तुम सुनते रहो, आप जी में मैं प्रभु तो पा सकता हूं कि आप ये प्रशंसा करने लग जाओगे बड़ा विद्वान है, बड़ी संस्कृत धारावाहिक बोलता है, और आपने खुद पता कोई ना मैं बोल के रहा हूं तो क्या फायदा उस प्रवचन का, उस वाह की करने का। तो अभी तक ये बीमारी ऐसे पड़ी रही। तो अब हम अपने उन सदग्रंथों को अपनी आंखों देख रहे हैं, ज्ञान की आंखियों से चरम दृष्टि अब काम कर रही है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अपने आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक का वर्णन ये आता है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा है ऊपर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को भिन्न भिन्न बता दे, तना कौन है, इसकी डार कौन है, शाखा कौन है और पत्ते किसे कहते हैं, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और फिर ये बताया इस गीता जी के ज्ञान को, गीता ज्ञान दाता कहता जो तेरे मेरे बीच में अर्जुन ये डिस्कशन हो रही है, ये विचार चल रहा है, इसको मैं पूर्ण रूप से इस अध्यात्म ज्ञान को पूर्ण रूपेण नहीं बता सकता क्योंकि इसके आदि और अंत से मैं परिचित नहीं हूं। और उस तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार रूपी गुत्थी को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात तत्वदर्शी संत से समझने के पश्चात परमात्मा के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। अपुण्य आत्माओं और उसमें ये गीता ज्ञान दाता कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, गीता जी का ज्ञान फाइनल नहीं है, और वो खुद कहता है कि उसकी भक्ति करो जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है अर्थात जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है। तो वो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है,